भक्तों के साथ, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और ये ऐसा होना हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए भी खतरनाक है। नहीं, ये एक्शन कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, आप भी थे वहाँ पर? जी, मेरा भी थे। ये दवा कौन लगाया है? पुलिस प्रशासन ने लेके गए थे, वो सीसीआई मेडिकल में, वो खाली मोरल लगा दिए, एक टेबलेट दिए, लिख पढ़ के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। ये ले रहा तो ले रहा, अल्लाह फोन मार दे, वो हमारा साला अभी दम साथ में पुलिस कंप्लेंट करेगा, हम तो फोन मार रहा है डायरेक्ट। बात चढ़ गया। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पे। तो आप देख रहे हैं संजीव ब्लॉग 04, मेरा नाम है संजीव। और सो फ्रेंड्स, इस बार जो है इस वीडियो पे जो ब्लॉग नहीं है, इस बार ब्लॉग नहीं बना रहे, इस बार कुछ अलग ही कहानी है जो कि आपके साथ हमको शेयर करना था, जो अभी आपको अभी हम शेयर करेगा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि हम लोग जस्ट घर का कुछ 3-4 किलोमीटर कुछ दूर है मंदिर, कारागांव मंदिर। तो शिव भगवान जैसे लास्ट बोल ग्रंथ है, आपको जैसे कि पता ही है। तो हम लोग उधर गया था घूमने के लिए, अपना मतलब पूजा वूजा करने के लिए। तो वहाँ का जो वॉलंटियर लोग था, वो लोग क्यों क्या था, और वो वॉलंटियर भी नहीं था वो लोग, उसके पीछे भी कहानी आपको अभी आगे बताने वाला है। तो हुआ ऐसे था कि हम लोग अपना घूम रहे, फिर घूम फिर रहे, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो वॉलंटियर लोग क्या हुआ क्या नहीं, वो लोग को पता नहीं, पी के था और हम लोग के साथ आया, मिसबिहेव कर रहे, क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे, लागने खोज रहे हम लोग के साथ, और मेरे भैया के साथ भी लाग रहे बेफालतू का, बिना कुछ सेंस का, कुछ बात का मतलब नहीं, आके लाग रहा था भैया के साथ भी। तो हम जाके पूछा क्या हुआ, वॉलंटियर लोग को पूछा, तो चलो वॉलंटियर ही था, उसके पीछे भी कहानी बताएगा आपको आगे। तो लोग हम पूछा वॉलंटियर लोग को क्या हुआ भैया, क्यों मेरा भैया का हल्ला करे बोल के, तो लोग हो गया मेरे ऊपर में फायर, तो और हमको लोग लेके चला गया साइड में टान के। तो बाद में फिर मेरा भैया आया, हमको हटाया, साइड किया, फिर वो लोग बात करके मैटर क्लोज हो गया। लेकिन मैटर क्लोज हुआ नहीं, वो लोग टारगेट बना लिए हमको और मेरे भैया को, और वो लोग ढूंढ रहे हैं, और हम ट्राई किया, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो लोग भी उधर ही उधर आ रहे हैं। तो बाद में भैया को हम बोले ऐसे ऐसे बात, तो भैया बोलते हैं इधर रुक के फ़ायदा नहीं है, निकलते हैं। तो हम लोग ठीक निकला, मंदिर के गेट का बाहर पहुँचा हम लोग, वो लोग मारना शुरू कर दिया हम लोग को, मतलब बुलेट में एक लात मारा, और फिर हमको मारना शुरू कर दिया, हमको भी हेलमेट लगा के था, बोल के हम भी बच गए, नहीं तो भाई अभी हम बेड तो सो रहा था हॉस्पिटल में। तो उसका ऐसा करते करते बाद में वो लोग बोला रुको अभी पुलिस लोग आएगा, उसके बाद जो होता पुलिस लोग भी पीछे था, वो लोग भी आया, कुछ पूछा पूछी नहीं, फिर गाड़ी से नामा और पीटना शुरू, खेदा खेदा जिसको मिल रहा उसको खेदा खेदा के पीट रहे, और हमको और एक मेरा दोस्त को भी खेदा खेदा के पीटा था, और उसका भी बेहतर यहाँ मुँह से फटा दिया था मार के, और हमको थोड़ा यहाँ में लगा, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, सूख गया, बट फूल गया था, इधर में भी मेरा फूला हुआ था। बट ये सब होते होने के बाद में फिर बहुत बड़ा मैटर हो गया था, ये न्यूज़ में भी आया, मीडिया लोग भी आया था। तो भैया मेरा भैया मीडिया लोग को बुला के लाया, तो फिर भैया केस किया जाके, तो केस करने के बाद में अभी मैटर फिर वो लोग मीटिंग वीटिंग बैठाए, वो लोग को ढूंढ के लाया, और वो लोग को मतलब अभी जेल में है वो लोग अभी, और ये जब मीडिया लोग आया रिपोर्टिंग किया, वो सब वीडियो अभी आपका आगे दिखाने वाला है, तो आप लोग वीडियो देखिए और शेयर करिएगा वीडियो का। और ये वीडियो में अभी आप नहीं बोलेगा कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, आप सिर्फ हमें इतना ही बोलेगा कि आप लोग ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए शेयर करें, इसलिए हम बोल रहे हैं शेयर करने। अभी सब्सक्राइब और लाइक करें ना करें हो तो आपको पर भी, बस हम इतना ही बोल रहे हैं दिल से कि आप लोग ये वीडियो को शेयर करें। और जो कि हम लोग इसमें कुछ गलती भी नहीं था, फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों क्या सोच के लग रहा था, और लड़का लोग का भी हम यहाँ फोटो लगाएगा सोच रहा था, लेकिन नहीं लगाएगा फोटो, मुझे बेकार में लोग का भी झमेला और पड़ जाए बोलते, इसलिए हम फिर जस्ट शेयर कर रहे हैं हम लोग के साथ जो हुआ था क्या नहीं, मतलब सब जब शेयर किया आप लोग को। तो वीडियो यहीं तक था, अभी आगे वीडियो प्ले करेगा, लोग क्या हुआ क्या नहीं, झगड़ा उगड़ा का भी मेरा दोस्त वीडियो बनाया था, उसमें भी लोग का पिटाई हुआ था। सो वो सब वीडियो आप देखिए और खुद डिसाइड कर लीजिए तब तक। सो फ्रेंड्स, और एक बात बताना था जो कि हम शायद वीडियो में बताया नहीं, बताया पता नहीं हमको, वो भी हम लोग जो मीटिंग हुआ था वहाँ पे, फिर शाम का 6:30 बजे मीटिंग हुआ था, बुलाया था तो गया, वो लोग लड़का लोग को ढूंढ के लाया, तो वो लोग अभी जेल पे है। और न्यूज़ का जो हम बात आपको हम बताया था, वो जो वीडियो अलग वीडियो है, ठीक है, वो लोग रिपोर्टिंग का, सो हम डायरेक्ट थोड़ा बहुत क्लिप लगा देगा, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा वीडियो का, फेसबुक में है वो वीडियो अपलोड, यूट्यूब पे भी होगा शायद पता नहीं, फेसबुक में है वो, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देगा, आप देख लीजिएगा और देखिए आगे और क्या बोले ना, अभी आप लोग देख के खुद डिसाइड करिए।
हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर गया बोलरूम में। कौन मंदिर में गया? कारागांव मंदिर। नौका जान के शिव भक्तों पर हुआ आक्रमण, स्थानीय ग्राम रक्षा वाहिनी दल संदेह के घेरे में, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजान महकुमा खटखटी थाना क्षेत्र के हमको मारा है, देखिए इधर में देखिए, हमको क्यों लगा? नहीं तो उसको मारा था। देखिए हमको लगा कि नहीं? देखिए इधर में, ये देखिए, देखिए दिया बाल उसको बयान करा। ये ले रहा है, ये तो ले रहा है। साला कौन मार दे? वो हमारा है साला। अभी तो हम साथ पुलिस कंप्लेन करेगा, हम तो फोन मार रहे हैं डायरेक्ट बात। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप वीडियो लोग देख ही लिया कैसे झगड़ा हुआ था, नहीं हुआ था। तो अब वीडियो इतना ही था, और इस बार का वीडियो तो क्या बताया यार, बहुत वाहियात गया वीडियो। ऐसा होगा बोल के हम सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा अच्छा सोचा था, जाएगा मंदिर में पूजा वूजा करेगा, लेकिन तो उल्टा ही हो गया। अभी क्या बताया यार, जो हो गया सो हो गया। खैर, अभी ऐसा हो गया हो गया, अभी आप लोगों के साथ ना हो इसके लिए वीडियो शेयर करें। क्या गारंटी आप लोगों के साथ भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि ये मंदिर में ही हो, कहीं भी फंक्शन वगैरह हो गया, कहीं घूमने गया, शादी वादी में सब कॉमन ही होता है। इसलिए सब पर शेयर करिए ताकि अलर्ट रहे आदमी लोग भी, क्योंकि आजकल सब पी पा गया अपना आपका, तो भाई भगवान ही सोचते, पता नहीं क्या है ऐसा दावे में और भगवान जाने। तो फिर वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय और जस्ट बाय और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, फिर से आपको एक बात बताने भूल गया था, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज़रूर आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा।